मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूथ महापंचायत का टेलीकास्ट प्रदेश भर के विद्यालयों में किया गया। सिंगरौली के मायाराम महाविद्यालय में भी इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गंभीरता से मुख्यमंत्री चौहान की योजनाओं के बारे में सुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूथ महापंचायत में कई कल्याणकारी घोषणाएं युवाओं के लिए की गईं। इसी महापंचायत का लाइव टेलीकास्ट मायाराम महाविद्यालय सिंगरौली में किया गया, जिसमें मायाराम महाविद्यालय के डायरेक्टर बद्री नारायण वैश्य, प्राचार्य डॉक्टर अविनाश राय एवं समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर अविनाश राय ने बताया, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई घोषणाओं को गंभीरता से सुना और हम आशा करते हैं कि हमारे महाविद्यालय के बच्चे समेत पूरे प्रदेश के सभी युवा इन योजनाओं का लाभ लेंगे। तमाम बच्चों ने जो जो युवा कल्याण संबंधी योजनाएं या मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की बहुत ही गंभीरता से सुनी और समझी। आशा एवं विश्वास है कि हमारे छात्र छात्रा एवं मध्य प्रदेश के युवाओं को इस युवा नीति के अंतर्गत जो सुविधाएं लाभ दिया गया है उसका फायदा अवश्य मिलेगा। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।